आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फियर ऑडियंस ऑफ का पार्ट टू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है तो उन्होंने प्लीज पहले पार्ट वन देखिएगा और उसके बाद पार्ट टू देखिएगा, ताकि आपका फियर ऑडियंस ऑफ ये जो रूब्रिक है पूरी तरह से कवर होगा। ठीक है, मैंने पार्ट वन में इन डिटेल बताया कि फियर ऑडियंस क्या होता है ना। तो आपको ये वीडियो को समझने के लिए पार्ट वन देखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हम लोगों ने पार्ट वन में क्या देखा था। हम लोगों ने पार्ट वन में एक छोटा सा रामायण का इंसिडेंस देखा था, उस पर से हम लोगों ने समझा कि इंडियन कल्चर फियर ऑडियंस ऑफ के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने उसमें देखा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में फियर ऑडियंस क्या है करके, ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने उसमें फियर ऑडियंस ऑफ ये पूरे रूब्रिक का, होल रूब्रिक का हम लोगों ने फील देखा। उसके बाद में हम लोगों ने उसमें आर्सेनिक एल्बम और कालीब्रोमेटम, ये दो रेमेडीज कवर की थी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में फियर ऑडियंस ऑफ में जो बाकी बची हुई रेमेडीज है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना एक बात मैं आपको इस फियर ऑडियंस ऑफ के बारे में कहना चाहती हूँ। फियर ऑडियंस ऑफ ये ना, देखिए रेपर्टरी में जितने भी रूब्रिक है ना वो मॉर्बिड है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, वो सब मॉर्बिड है। तो फिर ना अभी फियर ऑडियंस ऑफ ये जो है ना, ये मॉर्बिड है तो फिर क्या है ना, इसके अंदर क्या है। अभी समझने वाली एक बात है कि ये जो फियर ऑडियंस ऑफ है ना, ये जो रूब्रिक है ये ना छोटी छोटी बीमारियों में अप्लाई होता है। मतलब क्या ना, जैसे थोड़ी सी सर्दी है, बुखार है, खांसी है, लूज मोशन है कोई पेशेंट को, और ऐसी छोटी छोटी बीमारियों में जैसे स्टाई है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स है, इस टाइप की जो बीमारियां है ना, इसमें पेशेंट इतना इतना डर जाता है कि ये छोटी छोटी बीमारी उसको इतनी अंदर से हिला देती है कि ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो ऐसा उसको लगता है। तो ये क्या है, ये रहेगा फियर ऑडियंस ऑफ। पर जैसे कि कोई कैंसर है या कोई ऐसे फेटल डिसीज है कि जो बहुत जिसमें पेन की इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर फियर ऑडियंस ऑफ ये रूब्रिक नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे सिर्फ ना जैसे कि कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है और कीमोज वगैरह जो लेते हैं, उसको पता नहीं है कि मुझे कैंसर है और कीमोज वगैरह वो ले रहा है, और वो प्रोसेस में से जाने के लिए वो जो डर रहा है, उस प्रोसेस को बार बार फेस करने के लिए वो जो जब डरता है, तो ये फियर ऑडियंस में आ सकता है। बट कैंसर का कोई पेशेंट है और आपके पास आता है और आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो, तो ना वहाँ आप फियर ऑडियंस ऑफ ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूब्रिक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये बट ऑब्वियस नॉर्मल है ना। सही बात है ना, इतनी बड़ी बीमारी में कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच, नॉर्मल है ये उसका सोचना। ठीक है, तो ये है कि फियर ऑडियंस ऑफ। देखते हैं एक छोटी सी केस। केस ना कुछ इस तरह से थी, मेरे पास ना एक अंकल थे जिनको ना खांसी की शिकायत थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खांसी थी। ठीक है, तो मैंने ना वो जब आए मेरे पास तो मैंने उनको वेटिंग रूम में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी। जैसे कि वो देखो रात का समय था तो एक पेशेंट अंदर चल रहा था और वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ ना, जब मैं इधर पेशेंट देख रही थी तो मैंने देखा उनको कि वो जो पर्सन है, मतलब वो जो अंकल है, उनको ना अचानक से ना बैठे वेटिंग रूम में वेट किए 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 अचानक से उनको ना खांसी का अटैक आया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, उनकी रिएक्शन क्या थी कि उन्होंने सबसे पहले ना जब जब उनको खांसी आ रही थी ना, तब उन्होंने थोड़ा सा आसपास देखा, तो रात का समय होने की वजह से वो आखिरी पेशेंट थे तो और कोई पेशेंट नहीं था, और रात का टाइम
थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से रिसेप्शनिस्ट भी नहीं था, वो निकल चुका था, ठीक है। और फिर क्या हुआ ना, उन्होंने आसपास देखा ऐसा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना, तो फिर देखा तो कोई देख नहीं रहा, तो फिर उन्होंने क्या किया ना, वो जहाँ पर बैठे थे ना उस सीट को ना उन्होंने ऐसा कस के पकड़ लिया, ठीक है, मतलब एक हाथ से ऐसा उन्होंने कस के पकड़ लिया। और ना और क्या करते हैं ना फिर ऐसा कर रहे, मतलब ऐसे करने की कोशिश कर रहे। हाँ मैं कुछ इतने अच्छे से तो एक्टिंग उनकी कर नहीं पाई, पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या कर रहे होगे वो, हाँ उनकी क्या रिएक्शन होगी। तो क्या होता है ना कि वो क्या कर रहे थे कि मतलब क्या ना कि मतलब क्या कि उनको खांसी का अटैक तो आ रहा है, पर उनके खांसी के अटैक का आवाज़ मुझे अंदर केबिन तक के ना आए, इसलिए वो खांसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन उनका वेटिंग रूम का। अभी ही ना जब वो अंदर आते, अंदर एंट्री करते, अब वो उनकी हिस्ट्री मतलब कंप्लेंट्स वगैरह सुनाते मुझे। मैंने उनको पूछा कि क्या तकलीफ है, तो बोले मुझे खांसी है, बोले पिछले 5-6 दिनों से खांसी है, बोले एंटीबायोटिक का कोर्स हो गया है, कफ सायरप्स हो गए, फिर भी खांसी कुछ जा नहीं रही है, बोले। मैंने बोला ठीक है। और बोले ना जब भी मैं लेटता हूँ ना, बोले तो लेट निकली लेटता हूँ, जैसे मैं लेटता हूँ बोले बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आती है, मतलब मुझे लेटने से भी अभी डर लग रहा है, बोले पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सिर्फ सूखी खांसी, सूखी खांसी, सूखी ढांस लग रही है, सिर्फ और सिर्फ सूखी ढांस लग रही है, लेटे की सूखी ढांस लग रही है। तो मैं क्या करता हुआ बोले ऐसे 2 तकिए लगाता हूँ और बैठे बैठे ही रात भर सोता हूँ, बोले मतलब मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, बोले कल की रात जो निकली ना बोले मेरी, एक एक मिनट मैंने बोले गिन के निकला है, बोले 1 मिनट भी मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैं बोले मैडम, क्योंकि ना इतनी खांसी की ढांस आ रही थी कि मैं थोड़ा भी आड़ा हुआ तो तुरंत खांसी स्टार्ट, तो मुझे नींद ही नहीं लगी, बोले इतनी टेरिफिक वो रात थी, बोले मेरी कल की, ठीक है। मैंने बोला और फिर ये खांसी के लिए आपने क्या किया ना, फिर बोले मैडम, बोले ना मैं आज पूरे दिन भर से मुझे आपके पास आना था, बोले पर थोड़ा कुछ काम में व्यस्त होने की वजह से बोले मैं नहीं आ पाया, तो मैं ना पूरे दिन मैंने ना खीसे में स्ट्रेप्सिल की गोलियां रखी, बोले कि कहीं पर भी मुझे खांसी का अटैक आ सकता है, इसके वजह से मैंने पहले ही सोचा कि आया तो तुरंत मैं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने मेरे पास स्ट्रेप्सिल रख ली थी, बोले और फिर अभी मैं आपके पास दिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैंने बोला जब भी तकलीफ होती है आप क्या करते हो ना, बोले जब भी मुझे ऐसी खांसी की तकलीफ हुई पिछले 6-7 दिनों में तो कुछ नहीं, बोले मैं जाके ना चुपचाप एक जगह पे मतलब 2 तकिए लगाता हूँ और ऐसे आड़ा हो जाता हूँ, बोले थोड़ा, और कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को कोई जवाब ही नहीं देता हूँ, कोई कितना भी बोल के चले जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं चुप मेरा अपना पड़ा रहता है, ऐसा आड़ा होता रहता हूँ, और जब भी खांसी आती है तो खांसी आती रहती है बस, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी केस, उसने मुझे इतना ही सिम्टम्स और उसकी चीफ कंप्लेंट सुनाई, ठीक है। तो इस केस में इसमें ना मैंने सबसे पहला ना जो वेटिंग रूम में मैंने उसको ऑब्जर्व किया था उस पर से एक रूब्रिक लिया मैंने उसको, क्या कि देखिए फियर सेल्फ कंट्रोल लूजिंग ऑफ, ये वाला मैंने रूब्रिक लिया कि क्या ना उस वो क्या कर रहा था ना, तब खांसी की जो सूखी ठास आ रही थी वो जो उसको अटैक कर रहा था ना, उसका आवाज़ मुझ तक ना पहुंचे, इसके वजह से ना वो थोड़ी थोड़ी खांस रहा था, थोड़ा थोड़ा खांस रहा था, हाँ ऐसा कर रहा था बार बार ताकि वो खांसी पर कंट्रोल पा सके। ये एक दूसरा रूब्रिक मैंने लिया कि एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, क्या ना कि मतलब क्या कि वो जो खांसी थी वो खांसी वो जो जो से खांसता था या खांसी उसके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी, तो ना उसको क्या लगता था कि लोग क्या बोलेंगे ना उसके बारे में, कि वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मतलब क्या कि देखो भाई कितनी खांसी आ रही है ये बंदे को, ऐसा है ना, ऐसा उसके अंदर का फील था। तो यहाँ पे मैंने एक और रूब्रिक लिया, वो था एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, वो एम्बेरस हो रहा था बाहर बैठ के, है ना, कि यार मैडम को समझ में आ जाए या आसपास किसी पेशेंट ने देख लिया कि कैसी खांसी आ रही है, तो है ना, तो ये सिचुएशन को सोच सोच के ही उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो इसलिए मैंने एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट लिया।
उसके बाद में ना एक और बात बोली उसने कि वो जो स्ट्रेप्सिल्स की गोलियां वो साथ में रखा पूरे दिन उसने, है ना, उसके जेब में रखा। तो यहाँ पे मैंने क्लिंचिंग फर्नीचर और पर्सन टू ये वाला रूब्रिक लिया। उसके बाद में उसने एक बात बोली कि जब भी उसको खांसी आती है वो क्या करता है ना, दो तकिए लगा लेता है और चुपचाप जाके कमरे में आड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया डिस्टर्ब एवर स्टूपिंग ये वाला रूब्रिक। ऑडियंस ऑफ, उसने क्या बोला ना, कल की जो रात थी ना, बोले एक एक मिनट मैंने जाग के निकाली, मतलब मुझे एक मिनट भी नींद नहीं आई। एक एक मिनट उसने गिन के निकाला सुबह तक के का, ठीक है। तो ये क्या था ना, उसको जो तकलीफ हो रही थी, वो जो प्रोसेस चल रही थी ना, वो थी फियर, वो थी उसके लिए ऑडियंस। और उसका उसको डर लग रहा था लेटने का भी, अब कि लेटूंगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये फियर ऑडियंस ऑफ है, ठीक है। उसको जेल्सिमियम ये वाली रेमेडी दी, उसकी खांसी 3-4 दिन में ही सेटल हो गई। इतने दिन से वो परेशान था, वो उससे उसको छुटकारा मिल गया, ठीक है। जेल्सिमियम फियर ऑडियंस ऑफ में क्यों है, ठीक है। तो उसके पहले हम जान लेते कि जेल्सिमियम का कोर रूब्रिक्स क्या है, जेल्सिमियम की थीम क्या है, वो किस पर्सनालिटी का बंदा है, ठीक है। तो ना जो जेल्सिमियम होता है ना, उसके कोर रूब्रिक्स है फियर, सेल्फ कंट्रोल, लूजिंग ऑफ, उसके बाद में विल, मसल, रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। ये वाला जो रूब्रिक है ना, ये वाला रूब्रिक अपने केस में भी दिखता है क्या, कि ना वो इतना पक्का पकड़ता है उस, वो जहां पर बैठा है वो सीट को, कि वो उसकी खांसी को रोकने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाए, है ना। जैसे ही उसका कोई बीच में आ जाता था कहीं, तब उस टाइम पे पेशेंट वगैरह, और तो क्या हो जाता था ना कि उसका जो खांसी का है ना, वो जो अटैक था ना उसका खांसी का, वो बहुत जोर से बाहर निकलता था। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन टर्न हो गया, मतलब वो पेशेंट ने कुछ बोला, उसको पूछा कि कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ है, ऐसा कुछ उसको किसी ने डिस्टर्ब किया, तो वो जो खांसी का उसको अटैक था वो एकदम से बस्ट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस अपने केस में ये वाला रूब्रिक अप्लाई होता है सटल लेवल में, जब पूरी तरह के से केस को समझा जाए तो, ठीक है। उसके बाद में ना जैसे मैम टॉर्पर में है ना, जैसे मैम की एक बहुत अच्छी टैगलाइन है, डोंट डिस्टर्ब मी। मतलब क्या ना कि उसको जब भी तकलीफ होती है ना, तो वो जाके चुपचाप पड़ जाता है, उसको किसी ने भी डिस्टर्ब किया हुआ उसको पसंद नहीं होता है, तब वो चिड़चिड़ करता है। क्यों? क्योंकि ना उसकी जो एनर्जी होती है ना, कोई भी छोटी 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 मोटी बीमारी वजह से, या कोई भी बीमारी के वजह से ना, जेल्सिमम इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसकी एनर्जी इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती है कि वो उसकी जो अपनी जो आंखों की जो सिंपल सी पलके होती है ना, पलके को उठाने जितनी भी उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। वो चाहता तो है कि सामने वाले व्यक्ति को रिस्पॉन्स करे, बट ना उसकी एनर्जी इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती है, उस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। उसके जो मसल्स होते हैं ना, उसकी विल ओबे नहीं करते, उसका कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हो जाता है और वो स्टुपिफिकेशन में चला जाता है। उसके बाद में बहुत उसकी जो रिएक्शंस होती है ना, वो फीबल होती है। आप उसको जाके बोलेंगे ना, तो वो ना रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, घर वालों को तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। पर जैल्सिमियम ना, जो उसको पॉजिटिव लाइट देने वाले लोग होते हैं, या उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं, या कोई भी ऐसा बंदा होता है उसके घर में का, जैसे उसकी माँ होती है, या कोई भी ऐसा पर्सन होता है कि जो उसको एक सपोर्ट देगा, उसको एक कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और उसको एक पॉजिटिव लाइट देगा, मतलब क्या कि एक पॉजिटिव एनर्जी उसको देगा कि भाई कुछ नहीं होता है, कुछ होगा नहीं, तो इसमें से निकल जाएगा। ऐसे जब जो भी व्यक्ति से उसको ये पॉजिटिव लाइट मिलता रहता है ना, उस व्यक्ति को ही जेल्सिमियम रिस्पॉन्स करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है। फिर बाकी सब लोगों को वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, उनसे वो बात भी नहीं करता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। फिर वो कितने भी लोग उसको आके कुछ भी बोल के चले जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और ज्यादा ज्यादा लोग करने लगे, या उसके फैमिली मेम्बर, उसके घर वाले, या कुछ ऐसा उसको बोलने लगे, उठ तू खा ले, दवाई ले ले, ऐसा कर ले, ऐसा ज्यादा बोलने लगे ना, तो फिर वो क्या करता है ना, उन पर छिड़ता है, ठीक है, उन पर वो चीखता है।
तो अभी अब सवाल उठता है, यह है जेलसीमियम, पूरा जेलसीमियम, ठीक है। अभी सवाल उठता है कि जेलसीमियम फियर ऑडियंस ऑफ में क्यों है, क्यों? क्योंकि ना जेलसीमियम ना, उसको कोई भी बीमारी जब होती है ना, तो वो इतना उसकी एनर्जी एग्जॉस्टेड हो जाती है, इतने लेवल पे एग्जॉस्टेड हो जाती है कि वो उसकी जो मसल्स होती है उसकी विल ओबे नहीं करती है। तो ये चीज उसके लिए ऑडियल्स रहती है ना, ये उसके लिए ऑडियल है कि उसकी मसल उसकी ओबे नहीं कर रही है विल, है ना। ये होता है जेलसीमियम का ऑडियल्स ऑफ, ठीक है, इसीलिए जेलसीमियम फियर ऑडियल्स ऑफ में है। सो गाइस, देखते हैं एक और छोटी सी केस। इस केस को शुरू करने से पहले ना, मैं आपको एक छोटा सा ना उसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, ताकि आपको ना ये जो रेमेडी है वो तुरंत स्ट्राइक हो जाए कि यार ये किस पर्सनालिटी का बंदा है करके, है ना। तो देखिए, बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि ये जो मेरे पास पेशेंट है, वो उसे मेरे पास ना एक मेरे पुराने वाले पेशेंट ने रेफर किया है, ठीक है। वो जो पेशेंट था वो एक पंडित जी थे, उन्होंने इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है ना। ये व्यक्ति जो है वो भी बाय प्रोफेशन पंडित है, ठीक है। इसके फैमिली में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, ये, इसकी मम्मी, इसके पापा और इसका छोटा भाई। ये 29 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है और अनमैरिड है, ठीक है। ये है इसका बैकग्राउंड। इसके फैमिली, ये खुद भी पंडिताई करता है। इसके फैमिली में इसके पापा और इसका छोटा भाई, वो दोनों भी पंडित जी का काम करते हैं, ठीक है। ये तीनों लोग घर में के पंडिता ही करते हैं, है ना। ये था ये केस का बैकग्राउंड। अभी केस देखते, केस में पेशेंट क्या बोलता है। पेशेंट मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि बोले बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत है। मैंने बोला ठीक, कब से? बोले पहले तो कभी ऐसा लगता नहीं था, बोले कि मुझे एसिडिटी की शिकायत है, पर पहले कैसा है ना, 6 महीने साल भर में थोड़ा कुछ तकलीफ होती थी तो एक आधी पैंडी की गोली ले ली तो तुरंत आराम मिल जाता था। एसिडिटी एज अ बीमारी बोल के मुझे नहीं थी, बोले। पर अभी पिछले कुछ दिनों से ना, बोले, मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही भयानक ऐसी, क्या बोला ना, बोलते वक्त उसने क्या वर्ड यूज़ किया था ना, तब भयानक ऐसी एसिडिटी की अभी तकलीफ हो रही है, ठीक है, ऐसा वो मुझे बोलता है। फिर बोलता है कि इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट्स कराए, बोले, पर कुछ आराम नहीं हुआ है। गोली लेने के बावजूद भी, बोले, सुबह सुबह जब 8:30-9 के बीच तक के, बोले, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता है ना, बोले, तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। और तब गोली लेने के बावजूद भी मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ भी आराम नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने बोला ठीक है। और बोले ना, जैसे ही दिन निकलता है ना, बोले, तो मुझे डर लग जाता है कि आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सुबह जल्दी तो मेरी भयानक एसिडिटी बढ़ जाएगी, बोले, ऐसा मुझे कंटिन्यू डर लगने लगता है, ठीक है, ऐसा वो मुझे बोलता है। फिर बोलते बोलते वो क्या बोलता है ना, एक और बात बोलता है, क्या ना, चिंता के वजह से, बोले, ये जो टेंशन्स के वजह से, बोले, मेरी एसिडिटी बढ़ती है, बोले। तो मैंने पूछा मतलब, सिर्फ मैंने सिंपल सा सवाल डाला उसको, मतलब। तो उस पे वो बोलता है, बोले कि, बोले ना, अभी क्या हो जाता है, बोले कि ना, मुझे प्रेशर नहीं सहन होता है, बोले, कोई भी। मैंने बोला जैसे? बोले क्या है ना, बोले, जब मैं फ्रेश रहता हूँ ना, बोले, तब मैं काम कर सकता हूँ, बोले, जब मैं प्रेशर में रहता हूँ ना तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, बोले। मतलब क्या कि ना, अभी जैसे मुझे कहीं पूजा को जाना होता है, बोले, तो कैसे ना, वहाँ पे एक कंटिन्यूसली प्रेशर रहता है कि टाइम पर पूजा खत्म होनी चाहिए, टाइम पर पूजा खत्म होनी चाहिए। फिर ऐसा प्रेशर आया ना, बोले, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, बोले, और मैं वो काम नहीं कर पाता हूँ, बोले, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है। बोला ठीक है। और अभी ना, बोले, मेरे पास ना एक मंदिर की पूजा और आरती का काम है, बोले, सुबह, तो मुझे उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है, बोले। तो ना मुझे सुबह ना टेंशन आ जाता है, बोले, कि
फटाफट मैं 1-1.5 घंटे में ये काम नहीं खत्म कर पाया बोले तो मुझे एकदम प्रेशर फील होता है बोले, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फटाफट पूजा नहीं कर पाया खत्म और मैं घर पे नहीं पहुंचा टाइम पर तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ होगी। ये कंटिन्यू प्रेशर दिमाग में चलता रहता है बोले। अभी क्या हो गया ना, पिछले कुछ दिनों से बोले मैं बाहर गांव की कहीं पर भी पूजा नहीं ले रहा हूँ। मैंने बोला क्यों, तो बोले ना वहाँ पे ना बोले मुझे कंटिन्यूसली टेंशन आ जाता है कि बाहर गांव की कहीं पूजा ली तो कि वहाँ मुझे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी एसिडिटी तो नहीं बढ़क जाएंगी, मैं पूजा टाइम पर ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा इस एसिडिटी के वजह से, फिर कैसा होगा, मैं टाइम पर घर पे आऊँगा कि नहीं आऊँगा कल। ऐसा मुझे ना कंटिन्यू मेरे दिमाग में अलग 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 बहुत सारे ऐसे थॉट्स चलने लग जाते हैं, इस वजह से ना बोले मुझे बहुत टेंशन आ जाता है और बहुत डर लगने लग जाता है। इसलिए मैं बोले आजकल बोले कोई भी बाहर गांव की कोई भी वास्तु पूजा नहीं है ना, कोई जप तप की पूजा है, कोई भी पूजा नहीं ले रहा हूँ, सब टाल रहा हूँ बोले। कोई भी मुझे ऐसा फोन करके पूछता है कि आप खाली हो क्या, तो मैं तुरंत कुछ ना कुछ बहाना बता के बोले बोले उन वो उनसे बात टाल देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि आप इनसे करा लीजिए करके दूसरे का सजेशन दे देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने बोला आपका घर कैसे चलता है ना, आप बाहर गांव की पूजा नहीं ले रहे, सुबह मंदिर का भी आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब चलता है, फिर आप मैनेज कैसे कर पा रहे हो ना आपका रूटीन। तो वो क्या बोला ना बोले सुबह तो बोले अभी पिछले कुछ दिनों से ना बोले बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन के वजह से ना मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मेरे छोटे भाई को भेज देता हूँ और मेरे पिताजी भी अभी भी काम करते हैं और मेरा भाई पिताजी ये सब से हमारा घर आराम से चल रहा है बोले अभी ठीक है, ये उसने मुझे बोला। बोले ना अभी दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे भाई को मैं बोलता हूँ कि जा तू मेरे जगह पे पूजा के लिए चल जा वगैरह ऐसा, तो बोले वो मुझे उसके पीछे का रीज़न पूछते हैं तो मैं उनको रीज़न नहीं बता सकता हूँ बोले, क्या मैं उनको बोलता हूँ ना बोले, मैंने उनको बोल के देखा, मैं बोलता हूँ उनको तो वो क्या बोलते हैं ना उनको मुझ पर विश्वास नहीं है बोले, उनको क्या लगता है ये सब नाटक कर रहा है बोले, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी तकलीफ होती रहती है क्या, ये तो क्या है इतनी सी तो तकलीफ है, इतनी सी तकलीफ के लिए कोई इतनी बड़ी पूजा क्यों छोड़ता है ना, ऐसा वो लोग बोलते हैं बोले। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना बोले ये सबसे बोले अच्छा है बोले कि मैं मर जाऊँ बोले, हाँ ऐसा मुझे लगता है, पर ना मुझे मरने का भी बहुत ज़्यादा मृत्यु का भय है, मुझे मरने का भी डर लगता है ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है बोले ये सब से ना मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है बोले कि मैं कहीं मानसिक रोगी तो ना बन जाऊंगा आगे जाके, ऐसा मुझे डर लगने लग जाता है ना। मैंने बोला और क्या विचार चलते हैं, और क्या विचार चलते हैं, इस तरह से तो विचार आ रहे हैं आपको पर और क्या विचार चल रहे हैं दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या सोच है आपकी। बोले ना कंटिन्यू कुछ हो जाएगा मेरे साथ में या कुछ मैं कर डालूंगा या कुछ इस टाइप के सोच मुझे कंटिन्यू आती रहती है बोले, उसके वजह से मुझे ना कुछ समझता नहीं बोले, कुछ सुधर नहीं रहा है बोले कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, इसलिए मैं घर पे जाके अभी चुप 4-5 दिन हो गए कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं आराम ही कर रहा बोले ठीक है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी केस, इस केस में ना मैंने क्या क्या रूब्रिक्स लिए वो देखते पहले ठीक है। इस केस में ना मैंने सबसे पहला रूब्रिक लिया क्या, पूरे केस में ना वो बार 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 ना कहाँ स्ट्रेस दे रहा था, एक पॉइंट पे उसने स्ट्रेस दिया, प्रेशर सहन नहीं होता, प्रेशर सहन नहीं होता, प्रेशर सहन नहीं होता ठीक है, वो बार बार क्या बोलता है ना प्रेशर, उसको कोई भी तो प्रेशर सहन नहीं होता, उसके लिए मैंने एक रूब्रिक लिया एंजाइटी टाइम सेट एज इफ अ, ये वाला रूब्रिक लिया मैंने कि क्या है ना कि क्या हो जाता है उसका क्या प्रोफेशन है पंडिताई का, तो उसमें क्या होता है ना कि उनको उपवास करना पड़ता है और जो भी पूजा ली है या कुछ ऐसा है वो लोग ईमानदारी से पूजा करें ना तो पूजा बहुत टाइम तक के चलेगी है ना, पर क्या है ना कि एक पर्टिकुलर स्पीड से उन्होंने अच्छे से पूजा की तो एक पूजा पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो जाती है ठीक है। तो यहाँ क्या होता है ना कि उसको वो सब बोलते कि पूजा टाइम पे खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, तो ये प्रेशर के वजह से ना वो पूजा टाइम पर खत्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका उसको टेंशन आने लग जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट मेरा ये वाला रूब्रिक था।
उसके बाद में ना उसके बाद में फिर मैंने एक रूब्रिक लिया, वो था फियर ऑडियंस ऑफ। मतलब क्या ना कि उसको सुबह हुई कि उसको डर लगने लग जाता है कि आज मेरी एसिडिटी तो ना बढ़ जाएगी ना, पहले जैसी बड़ी वैसी। ये एक सटल लेवल में था यहाँ पर का फियर ऑडियंस ऑफ, ये वाला रूब्रिक, ठीक है। और ना वो जब उसकी एसिडिटी के बारे में जब एक्सप्लेन करता है, तब भी उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी डरावने, मतलब वो डरा हुआ था ये एसिडिटी के वजह से। एसिडिटी जैसे सिंपल सी चीज़ होके भी वो उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऐसा मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये केस के एनालिसिस में लगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड रूब्रिक लिया फियर ऑडियंस ऑफ। मैंने थर्ड रूब्रिक लिया, थर्ड रूब्रिक था उसमें कि अभी मैंने थर्ड रूब्रिक लिया सुसाइडल डिस्पोजिशन। वो बोलता है ना कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं सुसाइड कर लूँ, इससे तो अच्छा है ना ये, इसलिए मैंने सुसाइडल, मरना अच्छा है इससे तो, ऐसा उस वो बोलता है, तो इसलिए मैंने सुसाइडल डिस्पोजिशन ये वाला रूब्रिक लिया। उसके बाद मैंने और एक रूब्रिक लिया कि वो क्या बोलता है कि मुझे मृत्यु का भय है पर मुझे मरने से डर लगता है, तो फियर ऑफ डेथ ये वाला भी रूब्रिक है इसमें, ठीक है। ये कुछ रूब्रिक्स मैंने लिए और इस रूब्रिक्स को लेके मैंने एक रेमेडी दी उसको। सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगा ये केस सुनकर कि इस केस में क्या रेमेडी है करके, ठीक है। तो रेमेडी कुछ इस तरह से थी, मैंने उसको दिया अर्जेंटम नाइट्रिकम 1 ml। एसिडिटी होकर भी मैंने उसको 30 भी नहीं दिया, 200 भी नहीं दिया, सीधा उसको 1 ml दिया था। क्यों? क्योंकि यार वो कितना नर्वस, कितना एंजाइटी फील कर रहा है और वो कितनी थॉट्स चल रहे हैं उसके दिमाग में ना, ये सबको सोच के मैंने उसको स्टैट अर्जेंटम नाइट्रिकम 1 ml का डोज दिया। और ना उसको 10 days बाद मैंने उसको फॉलोअप के लिए बुलाया था। फिर जब वो आया 10 days बाद, तो उसने रिजल्ट जो दिया वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। वो बोले कि पहले से बोले 50% मेरी एसिडिटी में मुझे अब आराम है, और अब मैं सुबह मेरे जो उसने मंदिर की पूजा ली हुई रहती है आरती और पूजा का, वहाँ अब मैं जा रहा हूँ, बोले अब मेरे भाई को जाने का काम नहीं, बोले अब मैं फिर से मेरे काम पर जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा उसने फॉलोअप दिया था। ये थी मेरी छोटी सी केस, ठीक है। एक और रूब्रिक लिया जो था इंसेनिटी बिकम इंसेन 1 will। मतलब क्या ना, उसने एक बहुत अच्छा सेंटेंस अपने को बोला था। क्या बोला था कि कहीं मैं आगे जाके मानसिक रोगी तो ना बन जाऊंगा ना, ऐसा उसे लगता है, ऐसे उसके थॉट्स आ रहे थे, है ना। तब मैंने ये वाला रूब्रिक भी लिया था। और ना उसको कहीं पर भी, कहीं बाहर गाओ बड़ी पूजा लेना है या कुछ करना है, तो वो उसको टेंशन आने लग जाता था क्या कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं वहाँ जाके मेरी एसिडिटी तो नहीं बढ़ जाएगी, या फिर तो एसिडिटी बढ़ गई तो मेरा पूजा में समय पर कर पाऊंगा कि नहीं, ख़त्म, ऐसा उसको टेंशन आने लग जाता। ये सब उसके दिमाग में थॉट्स आते थे। तो इसके लिए मैंने एक और रूब्रिक लिया था, वो था एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन, ठीक है। सो गाइज, हम लोग समझते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम फियर ऑडियंस ऑफ में क्यों है, क्यों फियर ऑडियंस अर्जेंटम नाइट्रिकम में है। इसके पहले हम लोगों को समझना होगा कि इसका कोर क्या है। जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ये रेमेडी का कोर क्या है ना, फियर सेल्फ कंट्रोल लूजिंग ऑफ। ये मतलब क्या ना, यहाँ पे ना कि अर्जेंटम नाइट्रिकम अपने विल पावर से ना, जो उसको मॉर्बिड इम्पल्सिव थॉट्स आते रहते हैं कंटिन्यू, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उस कोशिश कहीं फेल ना हो जाए इसका उसे कंटिन्यूसली डर बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, इम्पल्सिव नेचर मतलब क्या, अर्जेंटम नाइट्रिकम का मॉर्बिड इम्पल्सिव नेचर होता है। इम्पल्सिव मतलब क्या है ना, एक लेमन के लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे तो इम्पल्सिव बोले तो क्या होता है कि बिना सोचे समझे कि फ्यूचर में क्या होगा या एट प्रेजेंट इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा कोई सडनली डिसीजन ले लेता है जो भी व्यक्ति, उसको हम लोग इम्पल्सिव पर्सन कहते हैं या इम्पल्सिवनेस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग हमारे डे टू डे लैंग्वेज में बहुत फ्रिक्वेंटली एक सेंटेंस यूज करते, डोंट बी सो इम्पल्सिव, थिंक बिफोर एक्ट।
ये जो सेंटेंस है ना, हम लोग हमारे लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में कितने फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, क्यों ना? क्योंकि देखिए कि इम्पल्सिवनेस क्या होता है ना, कि एकदम सडनली कुछ भी कर जाना आवेश में आके, ठीक है? ये हो गया इम्पल्सिव, इम्पल्सिव समझ गया होगा आपको। अभी देखते हैं कि अब ये जो इम्पल्सिवनेस है, ये अर्जेंटिव नेटरिकम में इसके जर्नी में कैसे आगे बढ़ता है। तो देखिए, ये जो इम्पल्सिव नेचर को उसके उस जो मॉर्बिड है ना, बट यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि ये जो इम्पल्सिवनेस है अर्जेंटम नेटरिकम में, ये मॉर्बिड लेवल पर है। तो जो मॉर्बिड इम्पल्सिव जो थॉट्स उसको आते रहते हैं, उसको उसके विल पावर से कंट्रोल करने के चक्कर में ना वो उसको इतना डर लगने लग जाता है कि वो कोई भी कार्य करने से डरता है। मतलब क्या कि वो सोच रहे थे कि भाई अब मैं कुछ नहीं करना चाहिए, मैंने करके मैं कुछ भी करूंगा तो ये जो थॉट्स है ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे और मैं मेरा अपना अपने आप पर का आपा खो बैठूंगा, ऐसा उसको कंटिन्यूअसली डर लगा रहता है अर्जेंटम नेटरिकम को। इस वजह से क्या होता है ना कि वो कोई भी काम हाथ में नहीं लेता है, और ये और कोई भी काम करने करना करने करने का उसको रहता है, तो वो भी वो काम करता नहीं है, ठीक है? इस वजह से क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ बहाने बताता है, टालता रहता है काम, है ना? उस वजह से क्या हो जाता है कि लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि यार ये इसमें एबिलिटी है ये काम करने की, पर ये कर नहीं रहा है, ये टाल रहा है ना? लोगों को लगता है कि ये फेनिंग सीख में वगैरह इस टाइप में, ऐसा लोगों को लगता है। तो पर क्या हो जाता है ना, इसके डर के वजह से ये काम नहीं करता है, लोग उसको फिर उसको लोग मतलब क्या काम चुकार समझने लगते हैं, ठीक है? अब लोग उसको काम चुका समझने लगते, ये पहले लोगों को टालता है, फिर क्या हो जाता है, एक ऐसी स्टेज आती है, एक लिमिट तक के ये सब चीजें सिलसिला होता रहता है, फिर बाद में लोगों को लगता है कि ये ना इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, और इसका ना ये हमेशा का ही है। अपने केस में भी उसके जो उसका भाई और उसकी माँ है, इसके थॉट्स सुनकर क्या बोलते हैं कि ये नाटक करता है और इसका ये हमेशा का ही है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? वहां पर भी वो केस में ऐसा था। अभी क्या हो जाता है इसके जर्नी में कि अभी एक टाइम आता है कि वो लोगों को टालता रहता है, फिर एक समय आता है कि लोग उसे टालना चालू कर देते हैं। फिर अब फिर लोग बोलते हैं ये कुछ काम का नहीं है, इससे ये कुछ काम बनेगा नहीं, इसे ये काम मत दीजिए, ठीक है? ऐसा करते फिर पूरे फैमिली में या बाहर के लोग, ये सब लोगों को समझ में आ जाती है ये बात कि ये कुछ इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, ठीक है? फिर अब लोगों का इसके प्रति क्या एटीट्यूड हो जाता है ना कि अब फिर लोग उसके रिलेटिव्स वगैरह क्या है ना, इसमें एक बहुत अच्छा रूप देखे, डिल्यूजन रेप्यूडेटेड बाय रिलेटिव हीज। हाँ, मतलब क्या ना कि इसके जो रिलेटिव्स हैं या आसपास के लोग हैं, तो इसे अब वो समझते हैं कि भाई ये कुछ काम नहीं कर सकता है, ये कुछ काम का बंदा नहीं है, ठीक है? अब इसके वजह से क्या हो जाता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि डिल्यूजन डिस्पाइज ही इज, मतलब लोग उसको तुच्छ समझ रहे। फिर अब वो कौन से कंडीशन में चला जाता है कि अब मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लोगों को मेरी कदर नहीं है, लोग मुझे कुछ समझते नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। ये चीज उसके लिए उसके लाइफ में अर्जेंटम नेटरकम के ये ऑर्डियल होती है। मतलब क्या कि लोग उस पर विश्वास नहीं रखते कि वो कुछ कर पाएंगे उसकी ज़िंदगी में, लोग उसको तुच्छ समझते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो फील है ना, ये फील उसके लिए ऑर्डियल है ना? ये रहता है अर्जेंटम नेटरकम का फियर ऑर्डियल्स ऑफ। इसलिए अर्जेंटम नेटरकम फियर ऑर्डियल ऑफ ये वाले रूब्रिक में है, क्योंकि लोग उस पर अविश्वास दिखा रहे हैं, लोग उसको तुच्छ समझ रहे हैं, लोग उस पर अब विश्वास नहीं रख रहे, क्योंकि लोगों को समझ चुकी है ये बात कि इसमें कोई दम वाली बात नहीं है कि ये काम ये कार्य पूरा कर पाएगा कि नहीं, है ना? तो ये होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का फियर ऑडियंस ऑफ, ठीक है? गाइस देखते हैं एक और छोटी सी केस। ये केस शुरू करने से पहले ना मैं आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देती हूँ कि ताकि आपको उस रेमेडी का फील आए, ठीक है? तो
बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि हमारे जो रसोई वाले काकी जी हैं उन्होंने इस पेशेंट को मेरे पास भेजा हुआ है। उनकी जेठानी का कोई मासी या ऐसा कुछ टाइप में लगता है वो, ठीक है, ऐसा कुछ उनका रिलेशन है, तो उन्होंने मेरे पास इस पेशेंट को भेजा हुआ है। ठीक है, अभी ये पेशेंट जो है वो बहुत पैसे वाले घर में उसकी शादी हुई हुई थी, पर ना वो जो उसका जो हस्बैंड था, मतलब अभी वो उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हुई हुई है, और उसका जो हस्बैंड था उसका री मैरिज था, इसका फर्स्ट मैरिज था बट उसका सेकेंड मैरिज था ये, है ना। तो फर्स्ट मैरिज से उसको उसके हस्बैंड को दो लड़के थे, और जब उसने इससे उस मतलब उसकी फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ होने के बाद में जब ये री मैरिज करा, ये जो सेकेंड मैरिज उसने किया, तो इससे उसको दो लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो ये था उसका बैकग्राउंड, और ये पेशेंट मेरे पास आती है, उसकी लड़की मेरे पास लेकर आती है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है ना, केस शुरू होती है, वो जब मेरे पास आते हैं तो मैंने पूछा कि क्या तकलीफ है, तो वो जो आंटी है वो बोले कुछ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं है, सब अच्छा है। फिर उसकी बाजू में उसकी जो लड़की बैठी है, अरे बता ना वो पाव का जो तेरे पाव के लिए जिसके लिए अपन आए, वो पाव में जो तकलीफ हो रही है तुझे, हाँ वो क्या, ऐसा बोलती है फिर पेशेंट। और फिर मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है आपको पाव में, तो फिर वो उसके सॉक्स थोड़े से साइड में करती है और मुझे बताती है, तो उसका जो फुट रीजन था पूरा उसमें बहुत सारे क्रैक्स थे, और वो जो क्रैक्स थे बहुत डीप लेवल के थे, और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वगैरह आ रहा था, और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी ना मैंने एक बात नोटिस की कि उसके चेहरे पे ना वो दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, और वो दर्द इतना दिख नहीं रहा था, और वो बता नहीं रही थी एक्चुअली। और मुझे क्या बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं सब अच्छा है। हाँ आई बराबर उसने क्या सेंटेंस यूज़ किया ना, पेशेंट कैसे शुरू करता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब उसने ये मुझे, फिर उसके बेटी ने बोलने के बाद में उसने मुझे बताया, फिर मैंने बोला क्या तकलीफ होती है, बोले ना ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, बोले पर ना सुबह ना, बोले अभी ये ठंड के जो दिन है ना, तो सुबह जब मैं टाइल्स के ऊपर पाँव रखती ना ठंडी टाइल्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बोले सिर्फ सुबह उठते वक्त ही, फिर दिन भर कुछ नहीं लगता है, जैसे जैसे धूप पड़ती है वैसे वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, फिर थोड़ी तकलीफ कम है, पर सुबह ना जे सुबह दिन निकला कि मुझे डर लगने लग जाता है कि वो जो दर्द है उस दर्द को फिर से मुझे सहना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, बोले। ठीक है, फिर मैंने बोला और इसके लिए आपने क्या क्या किया, कब से है, ऐसा मैंने उसको पूछा, बोले कुछ खास नहीं किया, बोले ज़्यादा अभी कुछ ही दिनों से है, बोले ये जब से ठंडी स्टार्ट हुई है तब से ही ये मुझे तकलीफ है। मैंने बोला और, तो फिर मैंने पूछा घर में कौन रहते हैं क्या रहते हैं, तब मैंने अब उसकी, आपको जैसे मैंने पहले बैकग्राउंड बताया ना वैसे मैंने उसको हिस्ट्री पूछना स्टार्ट की, उसकी फैमिली बैकग्राउंड पूछना स्टार्ट किया। तो फिर उसने ये बोला ये मेरी बेटी है, ये मेरे को लेकर आई है, ऐसा वैसा है ना। तो जो एक दोनों बड़े सिटी में जाके सेटल हुए हुए हैं, ये लड़की है यहाँ गांव में दी हुई है, और एक और लड़की है, एक वो भी एक अच्छी घराने में उसको दिया हुआ है। ठीक है, ये उसने ऐसा मुझे सब हिस्ट्री बताई, पर फिर मुझे थोड़ा कुछ ये लगा, कुछ ये सब चीज़ें लगी, तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने उसको बोला कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो बोले मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बोले। तो फिर ऐसे ही मैंने बहुत कैजुअली उसको ऐसा बोल दिया, तो मैंने बोला फिर बहुत जल्दी आपका सहारा चला गया, मैंने सिंपल सा ऐसा बोला, तो उसमें वो क्या, तो उसने क्या रिप्लाई किया ना, वो क्या मेरा सहारा थे, बोले मैंने ही उनका इतना किया, बोले मैं उनका सहारा थी, बोले उनको लास्ट स्टेज में मरने से पहले टीथ मुझे मोलर टूथ का कैंसर था, उनको हॉस्पिटल्स में ले जाना, कीमोज दिलाना, स्किन ग्राफ्टिंग कराना, वहाँ ये सब चीज़ें बोला मैंने की, बोले ये लोग क्या करेंगे, बोले ये लोग क्या मुझे सहारा देंगे, बोले मैं उनका सहारा हूँ, बोले। ठीक है, ऐसा वो मुझे बोली एकदम अचानक से, और ऐसे भड़की हुई है ऐसे इस टाइप में थोड़ा। फिर उसके बाद में वो बोलती है मैंने बेटों की भी बारी नहीं आने दी, बोले सब मैंने किया, बोले ये बेटों को भी मैंने मैंने स्टैंड किया, बोले मैंने पाल पोस के बड़ा किया हुआ, बोले हाँ मेरे बेटियों को भी मैंने, मेरे दोनों बेटियों को भी बोले अच्छी घरानों में दिया, अच्छी जगह सेटल कर दिया हुआ है, बोले। ठीक है, मैंने बोला।
फिर मैंने बोला कि ये थोड़े बड़े गए बोले, मैंने बोला चलो थोड़ा उसको, उसके बेटी को बोला कि आप बाहर बैठिए, आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए, और आंटी को बोला कि आप रुकिए। फिर मैंने पूछा कि आप आपके बेटी के पास रहते हो बोले, तो आपके बेटे आपको अच्छा नहीं रखते क्या, इसलिए आप आपके बेटी बेटी के पास रहते? तो उस पर भी वो अचानक से भड़क गई और बोली नहीं, मेरे बेटे दोनों अच्छे हैं बोले, मैंने उनको दोनों को इतना अच्छे से सेटल कर दिया बोले, वो दोनों बहुत अच्छी जगह पर, बहुत बड़े बड़े जगह पर है बोले, सिटीज में सेटल है वे बोले, मैं उनके पास भी जाती हूँ बोले, तीन तीन चार चार मैंने बोले, और ये बेटी के पास भी मैं रहती हूँ क्योंकि ये गाँव में ही रहती है, इसलिए मैं इनके इसके पास आती हूँ, इसको मैंने ही तो सब घर भी देकर और मेरे जवाई को सेट किया है बोले, है ना, ऐसा वो मुझे बोली और एकदम से गुस्से में थी। फिर वो गुस्से में होने की वजह से फिर मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, तो मैंने उसको और कैजुअल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। मैंने बोला जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? तो वो बोलती मुझे जब भी गुस्सा आता है तब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कमरे में जाके चुप बैठती हूँ, मैं कोई भी रिएक्शन नहीं देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर वो उसके चीप कंप्लेंट्स के बारे में बोलने लग गए मुझे। फिर मैंने बोला कि ठीक है अब आप बाहर बैठिए। फिर मैंने उसके बेटी को अंदर बुलाया, मैंने बेटी को पूछा कि मैंने बोला आपके मम्मी का नेचर क्या है? बोले मेरी मम्मी ना बोले बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है बोले, हम उसको बोलते बोले कि अभी घर में इतनी काम वाली बाई है, ठीक है उन्होंने मुझे घर लेके दिया, ये हुआ सब किया, अब घर में इतनी काम वाली बाई है, ये सब है, फिर भी ये जब भी मेरे पास 3 महीने के लिए रहने जब भी आती है तब ये इसके कपड़े खुद धोती है, ये इसका हर एक काम खुद करती है, वो काम वाली बाई को भी नहीं डालती है और मुझे भी उसका कुछ भी काम करने नहीं देती है, वो जो मेरी लड़की है और इन जो मेरी माँ है इनका इसका बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, वो दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है, और बाकी जब भी उनको गुस्सा आता है तो हमारे को ऐसा लगता नहीं कि उनको गुस्सा आता है क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं, हम तो कितना बोलते हैं उनको कि बोल आप बोलिया करो बोलिया करो, वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है बोले, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई बस हो गया, अब ज़्यादा केस को कुरेदने में कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है अब आप आपके मम्मी को अंदर बुला लीजिए, और मैंने उनको एक दवाई बना के दे दी, ठीक है। तो गेस कीजिए, सोचिए 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 कि क्या दी होगी मैंने उसको रेमेडी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये केस सुनकर आपको क्या ये वाले केस में रेमेडी लगी पेशेंट की, ठीक है। तो इस केस में ना मैंने उस जो आंटी थे उनको मैंने अर्निका मोंटाना 200 में दिया था, ठीक है, क्योंकि ना 30 देना चाहिए था, बट क्या हो गया ना उसका जो एटीट्यूड था, उसकी जो वो मेंटल लेवल थी ना, उसकी जो एनर्जी थी जो मुझे फील हुई थी ना, इस वजह से मैंने उसको थोड़ी सी हायर पोटेंसी दी थी, ठीक है। मैंने उसको अर्निका मोंटाना 200 दिया था। तो मैंने यहाँ कौन से रूब्रिक लिए थे? सबसे पहला रूब्रिक लिया ना मैंने पूरे केस में क्या एनालिसिस किया ना, बार बार वो क्या बोलती है ना, मैंने किया, मैं, उसका मैं बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया इगोटिज्म, ठीक है। उसके बाद में वो आई बराबर बैठी और क्या बोली था, कुछ नहीं सब अच्छा है। मैंने उसको रूब्रिक लिया डिल्यूजन वेल ही इज वेन वेरी सी, ये वाला मैंने उसको रूब्रिक लिया था, ठीक है। थर्ड रूब्रिक मेरा था जब मैं वो अंदर आई, जब वो अंदर अकेली थी तो मैंने उसको पूछा कि आपके बेटे आपको अच्छा नहीं रखते हैं क्या, इसलिए आप आपके बेटे के यहाँ रहते? तो तुरंत मेरे पर भड़क गई ना, और ऐसा एटीट्यूड दिखा है कि उसको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, इस टाइप में है कि देखो भाई मुझे ऐसा नहीं लगे कि वो बिचारी है, उसका बेटे उसको अच्छे नहीं रखते। और रियल में मुझे ऐसा फील हुआ, बिटवीन द लाइन मैंने जब सोचा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सही में इसके एटीट्यूड की वजह से ना इसके बच्चे उसको अच्छा नहीं, मतलब उसके बच्चे उसको अच्छा नहीं रखते होंगे, या फिर तो ये उनमें एडजस्ट नहीं होती होगी, ठीक है। ये मैंने 3 रूब्रिक्स लिए। उसके बाद में ना वो क्या बोली ना, जब भी मैं ये ठंडी के दिनों में ये जो ठंडी पाइल्स है उसकी टाइल्स है ना, जब भी मैं ये ठंडी टाइल्स के ऊपर पैर रखती हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि अब वो फिर से दर्द उठेगा, वो चमक पैर रखने की वजह से चमक उठेंगी मेरे पाँव में, इसका उसको डर लगता है। तो यहाँ पे भी एक सटल लेवल में फियर ऑडियंस ऑफ ये वाला रूब्रिक मैंने लिया, ठीक है, और इस वजह से मैंने उसको अर्निका मोंटाना प्रिस्क्राइब की थी, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी केस, और अब देखते हैं कि अर्निका क्या है, अर्निका पर्सनैलिटी क्या है, अर्निका का फियर ऑडियल क्या है, ठीक
ठीक है, क्या क्यों अर्नी का मंटना फियर ऑडियंस ऑफ में है? देखिए, एक ना मुझे एक बहुत अच्छा सेंटेंस अभी याद आ रहा है, बॉडीगार्ड मूवी का है, सलमान खान का एक बहुत ही पॉपुलर ऐसा एक फेमस ऐसा डायलॉग है उसका, कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, है ना? ऐसा वो बोलता है, मैं तो कुछ उसके जैसे अच्छे से एक्टिंग करके ये डायलॉग नहीं बोल पाई, पर ये एक डायलॉग समझिए आप, ये टैगलाइन है किसकी, अर्निका की, कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब क्या ना, कि अर्निका को किसी का भी एहसान नहीं चाहिए उसकी जिंदगी में। अब अर्निका की जर्नी कैसी स्टार्ट होती है वो देखिए। अर्निका जो पर्सनालिटी होती है ना, बचपन से उसने दुख देखे हुए रहते, कष्ट देखे हुए रहते हैं, बहुत हार्ड वर्कर ये बंदा होता है, ठीक है। वो ना बहुत काम करता है उसकी ज़िंदगी में, बहुत काम करता है, और ना काम करने से बहुत हार्ड वर्क करता है, तो धीरे 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 उसके लाइफ में उसको अचीवमेंट्स मिलती रहती है। मतलब वो छोटे से लेके धीरे 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 बड़ा आदमी बनता जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, कि वो इतना हार्ड वर्क वगैरह करता है तो वो दूसरे लोगों को ना तुच्छ समझता है, इसलिए वो लोगों को कंटेम करता है ना। अब क्या हो जाता है, ये सब उसको अचीवमेंट्स मिलने लग जाती है, तो उसको एक ईगो आता है, मतलब क्या, उसको अहंकार चढ़ जाता है कि यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरे मेहनत से मेरे ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता हूँ। ये उसको हमेशा लगता है, क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा होता है, इतना उसके मेहनत पे उसको भरोसा होता है अर्निका को, ठीक है। इस वजह से ना उसका ईगो इतना बढ़ जाता है, उसका अहंकार इतने लेवल पे जाके बस जाता है, कि सबसे हाईएस्ट ईगो वाली रेमेडी जर कोई आपको बोले तो आपके दिमाग में अर्निका का सबसे फर्स्ट नाम आना चाहिए, इतना उसके अंदर ईगो रहता है ना। उसको किसी का भी एहसान नहीं होना नहीं चाहिए रहता है, उसको किसी के ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए होते कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ये चीज़ उसको उसके लाइफ में नहीं चाहिए रहती है। इस वजह से ना वो खुद इतना अकड़ में रहता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इस वजह से क्या है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स है कि वो फिर सॉफ्ट प्लेसेस ढूंढता रहता है, क्योंकि वो खुद बहुत अकड़ू रहता है, उस वजह से उसको कहीं पर भी उसको उसका जो बेड रहता है वो भी उसको हार्ड फील होता है, उसको उसका बेड हार्ड फील होता है, उसके वजह से वो सॉफ्ट प्लेसेस के सर्च में रहता है। मतलब क्या, कि वो ऐसे लोगों से मदद लेता है कि जो उसको उसकी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने तुझ पर उपकार किए है इसलिए तो आज यहाँ पर है, इसलिए तू ये चीज़ कर पाया है, ठीक है। वो हमेशा ऐसे लोगों से मदद लेते हैं कि जो उसको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसकी मदद करेंगे, तो इसलिए वो एक सॉफ्ट प्लेसेस की सर्चिंग में रहता है। सॉफ्ट प्लेसेस उसके लिए कौन रहती है, कि ऐसे व्यक्ति रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं कि जो उसको उस पर ऐसा नहीं किया ये जतला एहसान किया ऐसा जतलाएंगे नहीं, ऐसे लोग उसके सॉफ्ट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना वो कितना भी बीमार रहता है तो उसको किसी से मदद नहीं चाहिए होती है, इसलिए वो ये वाले रूब्रिक में है। अर्निका ना डिल्यूजन वेल ही इज वेन वेरी सिक, ये वाले रूब्रिक में होता है। क्यों? क्योंकि ना उसको किसी की मदद नहीं चाहिए रहती है, किसी का एहसान नहीं चाहिए रहता है, उसका उसके ईगो के वजह से, उसका ईगो को हर्ट होने के उसको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ रहता है कंटिन्यू, इसीलिए अर्निका फियर ऑडियंस ऑफ में है। क्यों? क्योंकि उसको उसको ना कोई ऐसा बोल दे, कोई उसको कि ये तू नहीं कर सकता था, ये तो मेरे वजह से तूने किया है, मैंने तेरी मदद की है, ऐसा उसको कोई बोल दे ना, तो ये उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है, उसके ईगो को हर्ट करने वाली बात होती है। उसको किसी के भी ना ऑब्लिगेशंस नहीं चाहिए होते उसके लाइफ में, और ये जो ऑब्लिगेशन जब मुझे उसको किसी से मदद लेने की जब उस पर बारी आती है, किसी के एहसान लेने की जब बारी आती है, तब अर्निका मोंटाना उसके लाइफ में ऑडियंस में जाता है, उसके लिए वो चीज़ ऑडियल होती है, ठीक है। होप गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को अर्निका फियर ऑडियंस ऑफ में क्यों है ये समझ गया होगा, ठीक है। ऑडियंस ऑफ में क्यों है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि लाइसेनियम क्या है।
लाइसिनियम ना ये एक रैबिट डॉग के सलाइवा से बनने वाली रेमेडी है, ये एक नोजोर है, ठीक है। तो सोचिए आप कि जो समझने वाली यहाँ एक बात है कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वफादार कोई एनिमल होगा तो वो डॉग्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, उसकी सोच क्या होगी, उसकी सोच क्या होती है कि वो जितना वफादार होता है उसको उतनी ही एक्सपेक्टेशन होते हैं कि सामने वाला भी उसके प्रति उतना वफादार रहे। इसीलिए जो लाइसेनियम है वो उसके जो रिश्ते होते जिस पर वो डिपेंडेंट होता है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि लाइसेनियम के कोर रूब्रिक्स क्या है। लाइसेनियम के कोर रूब्रिक्स है डिल्यूजन, टॉर्मेंटेड शी इज, एंगर अल्टरनेट विथ क्विक रिपेटेंस। एंगर्स के आप देखोगे ना लाइसेनियम में बहुत सारे एंगर एंड रेज के बहुत सारे रूब्रिक्स भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इम्पल्स टू किल डिजायर, इम्पल्स टू स्टैब, उसके बाद में अटैक्स अदर्स डिजायर टू, उसके बाद में स्लिट डिजायर टू, इस टाइप के रूब्रिक्स में लाइसेनियम आता है। उसके बाद में डिल्यूजन इंजुरी इज बीइंग इंजर्ड में लाइसेनियम है, डिल्यूजन बीइंग अब्यूज में लाइसेनियम है, उसके बाद में डिल्यूजन रॉन्ग सफर ही हैज में भी लाइसेनियम है। उसके बाद में जो लाइसेनियम होता है ना वो और एक रूब्रिक में ऑफेंडेड इजीली एवरीथिंग टेक इन बैड वे है ना। तो अभी सो गाइस समझते हैं कि ऊपर के जितने भी रूब्रिक्स है उसमें लाइसेनियम क्यों है ना। जो लाइसेनियम का क्या है ना, लाइसेनियम की थीम क्या है ना कि लाइसेनियम जिस पर डिपेंड होता है ना, जिन पर डिपेंड होता है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि उसको जन्म देने वाले माँ बाप, ठीक है, या फिर तो उसको जो जो लोग भी पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, फिर वो कोई भी हो सकते, चाचा चाची मामा मामी, उसके भाई बहन बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई भी कोई भी, या फिर तो कोई फैमिली के जो सदस्य है वो लोग, उसके बाद में फ्रेंड्स, या फिर तो पति पत्नी जिस पर वो डिपेंडेंट है ना। तो ये जितने भी लोग होते हैं तो उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसेटिव होता है। उसको लगता है कि मैं उनके प्रति जितना वफादार हूँ वो लोग भी मेरे प्रति उतने वफादार रहे, मैं जो करना चाहता हूँ वो लोग मुझे करने दे, ठीक है, ये उसको लगता रहता है। उस वजह से क्या होता है ना कि एक आधी बार भी वो जो ये जो जितने मैंने रिलेशंस बताए उसमें से कोई भी व्यक्ति उसको एक आधी बार फटकार दे है ना, या डांटे, या कुछ भी ऐसा हो, ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए कि जिसमें उसको डांट फटकार पड़े, तो वो क्या होता है ना, वो जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है ये उसका तुरंत दुश्मन बन जाता है ना। तुरंत उसको उसके प्रति ना एकदम इम्पल्सिव थॉट्स आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने जैसे इसमें इसमें है ना कि मैंने बताया कि इम्पल्स टू स्टैब, किल डिजायर, अटैक्स अदर्स डिजायर टू, इस टाइप के जो रूब्रिक्स में ना, तो उसको ना इतना वो सेंसिटिव होता है कि उसको जब किसी ने डांट फटकार दी कि तुरंत वो उसके अपोज में चला जाता है, वो हर चीज ना एकदम बैड वे में लेता रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना कि फियर ऑडियंस ऑफ ना लाइसेनियम में क्यों है, क्यों ना कि ये जो उसके जो रिलेशंस है जिस पर वो डिपेंडेंट है वो लोगों ने उसको कुछ बोला, डांट फटकार दी, तब उसके लिए ये चीज फियर ऑडियंस है, ठीक है। इसमें ना लाइसेनियम में एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है, मतलब क्या रूब्रिक से बोले तो क्या कि हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया बोले तो क्या ना, फियर ऑफ वाटर। अब समझिए फियर ऑफ वाटर क्या है, वाटर को समझिए, वाटर को हम क्या बोलते हैं ना, पानी बोलेंगे। पानी बोले तो क्या रहता है ना कि हम लोग ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह बोलते हैं कि सेव वाटर सेव अर्थ, मतलब क्या ना, पानी ये जीवन है, पानी ही नहीं रहेगा तो अपना जीवन ही नहीं रहेगा है ना। तो लाइसेनियम का जीवन क्या है ना, लाइसेनियम की लाइफ क्या है ना, ये उसके रिश्ते होते हैं जिस पर वो डिपेंड होता है।
और वो जो पानी होता है वो पानी उसका दुश्मन बन जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा उसको लगता है, ये सब उसके डिल्यूजन्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लाइसिनियम है उसका जो जो रिश्तेदार है जिससे जिस पर वो डिपेंडेंट है वो तुरंत उसके दुश्मन बन जाते हैं ना, तो इसीलिए लाइसिनियम हाइड्रोफोबिया में है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोवेज फियर ऑडियल्स ऑफ में क्यों है, ठीक है। तो कार्बोवेज फियर ऑडियल्स ऑफ तक कैसे पहुंचता है, उसके पहले हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि कार्बोवेज की जर्नी क्या है, कार्बोवेज ये रेमेडी की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। तो कार्बोवेज जो होता है ना, ये ना हैप्पी गो लकी वाले पर्सन में से होता है, ठीक है। मतलब क्या, ईट स्लीप एंड एंजॉय द लाइफ, ये उसका क्या बोलेगी ना, ये उसका कहना होता है, ठीक है। तो कार्बोवेज पर्सनैलिटी देखिए कि उसके कोर रूब्रिक सीखते हैं हम लोग कि क्या है करके, क्या है कार्बोवेज। कार्बोवेज में ना मतलब क्या ना, लिबर्टिज्म में ये रेमेडी है, गवर्नमेंट में ये रेमेडी है। तो गवर्नमेंट में क्या ना, गवर्नमेंट क्या होता है ना कि शौकीन कोई भी चीज़ का हो, फिर जैसे खाने को लेके, कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शौकीन जो व्यक्ति रहते हैं हम उनको गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी वो गवर्नमेंट है और लिबर्टिज्म में है, तो इसके वजह से ना कि जो कार्बोवेज जो होता है ना वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखता है, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखता है, ठीक है। ऐसी ये पर्सनैलिटी है कार्बोवेज की। कार्बोवेज का कोर रूब्रिक देखा जाए तो बुलिमिया ये रूब्रिक है। बुलिमिया मतलब क्या, बुलिमिया क्या होता है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें ना जो पर्सन होता है ना वो इतना खाता है कि उसका पेट भर जाता है, फिर भी वो खाता रहता है। उसको समझनी पड़ती है कि कितना खाना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है। ये होता है बुलिमिया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट ने बोला कि मैम बोले कल ना पार्टी में इतना खा लिया बोले कि आज ना मैं एकदम जाम हो गया, बोले हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है ना, बुलिमिया है, ठीक है। कार्बोवेज जो पर्सन होता है ना ये सिंपल पर्सनालिटी वाला पर्सन होता है। मतलब क्या कि ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होता है, इसको ना किसी से दूसरों से लेना देना नहीं होता है, वो अपने आप में मस्त रहना चाहता है और वो अपने आप में मस्त भी रहता है, ठीक है। ये होता है कार्बोवेज। अभी क्या हो जाता है ना, कार्बोवेज बुलिमिया में होने के वजह से ना कि जो भी बीमारी होती है वो जब तक गले तक नहीं आती है ना तब तक कि उसको समझनी पड़ती है कि ये बीमारी इतनी सीवियर लेवल पे चली गई है। हाँ, तो ऐसा वो क्यों करता है ना, क्योंकि ना कार्बोवेज स्लगिशनेस में भी है, ठीक है। उसके बाद ना जो कार्बोवेज होता है ना, अभी वो स्लगिशनेस में है तो उसको समझ नहीं पड़ रही है कि बीमारी की सीवियरिटी क्या है। उसको ना स्लगिशनेस की वजह से ना वो जो भी बीमारी होती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी सी बीमारी है और उसे मैं मैनेज कर पाऊँगा। उसको एकदम जो भी बीमारी होती है वो छोटी नज़र आने लगती है, ठीक है। अभी क्या होता, अभी वो ये स्टेज में आ गया कि उसको बीमारी छोटी नज़र आने लग गई है ना। अभी क्या हो जाता है कि वो बीमारी जब उसको छोटी नज़र आने लग जाती है तो अफेक्टेशन ये वाले रूब्रिक में कार्बोवेज लैंड होता है, ठीक है। अब वो अफेक्टेशन में लैंड होने के बाद में ना एक और रूब्रिक है इसमें, वो भी कोर रूब्रिक है कार्बोवेज का, अनकॉन्शियसनेस लाए एज इफ डेड, है ना। मतलब क्या कि उसकी जो बीमारी होती है उसकी सीवियरिटी का उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ती है। मतलब क्या ना, वो स्लगिशनेस के वजह से ऐसे लेवल पे चले जाता है कि उसकी बीमारी कब इतना बड़ा स्वरूप ले लेती है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। मतलब वो तब अनकॉन्शियसनेस के स्टेज में होता है, ठीक है। ये हो गया, अब वो अनकॉन्शियसनेस के स्टेज में आ गया।
अभी उसके बाद में ना वो जो कार्बोवेज होता है ना, अभी क्या होता है कि अब बीमारी एकदम गले तक की आ गई। वो एकदम से उसको एंजाइटी फील होने लग जाती है। जब उसको सिवेरिटी का एहसास होता है तब वो एंजाइटी के स्टेज में जाता है। फिर वो एंजाइटी के स्टेज में जब जाता है तब एंजाइटी डार्किंग में है, उसके बाद में ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस में है। फिर क्या करता है ना वो, फिर क्या और एक रूब्रिक है इसमें कार्बोवेज में, क्यूरेसिटी का। क्यूरेसिटी होने की वजह से क्या हो जाता है ना कि जब तक के सामने वाला डॉक्टर उसका पूरी तरह से समाधान नहीं कर देता है कि भाई तुझे ये बीमारी है, ऐसी ऐसी बीमारी है और अब जाके ठीक होगी, तब तक के वो क्या करते हैं ना, फिर वो उसको डॉक्टर लोग जब तक के पूरी तरह से समाधान नहीं कर देते तो वो कंटिन्यूअसली डॉक्टर चेंज करता रहता है। फिर ये डॉक्टर के पास जाएगा, इससे नहीं उसको नहीं लगा कि भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएगा, फिर उसको छोड़ेगा, तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा, ऐसा कार्बोवेज करता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है ना कि वो ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस में चला जाता है, ये वाले रूब्रिक में जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है ना कि अब ना जब उसको बीमारी का की सीवियरिटी का एहसास होता है तब एक और रूब्रिक है कार्बोवेज में, डिल्यूजन फेंटेड ही वुड हैव वॉकिंग इफ द बैड एनी पोस्टपोन। मतलब क्या ना कि अब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो वो एक डिजास्टर में चला जाएगा, अब वो खत्म हो जाएगा, अब पानी गले तक के आ गया है, अब ये डेफिनेटली डूबने वाला है। ठीक है, ये स्टेज में जाता है कार्बोवेज। उसके बाद में क्या होता है ना, कार्बोवेज ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है क्योंकि उसके स्लगिशनेस के वजह से, उसके अफेक्टेशन के वजह से, लाइफ को एंजॉयमेंट करने के लिबर्टिनिज्म के वजह से, गवर्नमेंट के वजह से, ये सब चीजों के वजह से वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि अब उसे उसकी जो भी लाइफ की एंजॉयमेंट है, जो भी लिबर्टिज्म है उसका, उसका जो गवर्नमेंट है, उसे छोड़ने का समय आता है। और जब उसको उसके जो एंजॉयमेंट है लाइफ को, उसको छोड़ने का जब समय आता है तब वो चीज उसके लिए ऑडियल्स है। ठीक है, कार्बोवेज का ऑडियल्स क्या है कि उसकी जो एंजॉयमेंट है, उसका जो लिबर्टिनिज्म है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो जब कॉम्प्रोमाइज होती है, वो जब उसको छोड़ने की बारी आती है इस बीमारी के वजह से, तब ये बात उसके लिए फियर ऑडियंस ऑफ में है। ठीक है, समझते हैं कि थूजा फियर ऑडियंस ऑफ में क्यों है। ठीक है, जो थूजा जो होता है ना उसको पहले हम लोग समझते हैं, वो क्या टाइप की पर्सनैलिटी है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, थूजा जो होता है वो ना, उसको जो चीज़ करनी होती है उसके लाइफ में, तो वो चीज़ ना वो बहुत ज़्यादा पैशन से करता रहता है। ठीक है, फिर वो कोई भी चीज़ हो, फिर लाइफ को एंजॉय करने की बात आओ, उसका पढ़ाई हो, उसकी जॉब हो, या कोई रिलेशनशिप में हो, वो कोई भी चीज़ में हो, वो बहुत ज़्यादा खुद को इंडल्ज कर लेता है उस चीज़ में। ठीक है, तो जब थूजा हेल्दी स्टेज में होता है तब ना वो एमोरस होता है, वो बुलेमिया होता है, वो फैंसीज में होता है, लैशिवेस में होता है, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा हॉटीनेस में है, ग्रीडी है, क्यूपिडिटी में है, उसके बाद में मटरलस्टिक में थूजा होता है। थूजा को फैसिनेटेड पर्सनैलिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना वो जो कुछ भी चीज़ करता है ना उसको उसकी लिमिटेशंस का एहसास नहीं होता है, उसको समझता नहीं है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, बस वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, अब क्या होता है कि उसका ऐसा नेचर होता है। पर अब वो ना एक ना थूजा में और रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है, एनालिटिकल है ना एबिलिटी। मतलब क्या ना कि जो थूजा होता है ना, अभी क्या हो जाता है कि उसको उसके लिमिटेशन का एहसास नहीं होता है, इस वजह से थूजा डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर
ये वाले रूब्रिक में भी है, ठीक है, दे डोंट हैव अंडरस्टैंड हिज लिमिटेशंस, ठीक है, कि दे हैव लिमिटेशंस, उसको ये नहीं समझता है कि उसको कोई लिमिटेशंस है, वो अनलिमिटेड कोई भी चीज़ करते रहता है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाता है ना कि अब वो जब ऐसा करता रहता है ना, तो जो घर वाले होते हैं स्पेशली मदर है ना, तो क्या करती है ना, टोका टाकी करती है उसको, उसको उसके लिमिटेशन का एहसास दिलाती है, ठीक है, या फिर तो उसके आसपास वाले लोग या कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई भी ऐसे लोग कि जो उससे उसके लिमिटेशन का एहसास दिलाते हैं, फिर अब उसको एहसास हो जाता है कि अरे यार मैंने तो कुछ गलत कर दिया, ये कुछ मैं ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। पर क्या हो जाता है ना कि अब ये सब चीज़ें हैं, अब उसको उसकी गलती का एहसास होने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, वो खुद को गिल्ट समझने लग जाता है, ठीक है। पर फिर क्या हो जाता है ना कि एक तरफ उसका मन बोलता है कि भाई मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे मैं पैशनेट हूँ इस टाइप में, और दूसरी तरफ बोलता है कि नहीं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तू कर मत, ठीक है। अब क्या हो जाता है ना, ये दो चीज़ों के बीच में ना वो फंस जाता है, इसीलिए थूजा थूजा ना डिल्यूजन सेपरेटेड सोल एंड बॉडी ही इसमें भी है, ये वाले रूब्रिक मतलब ये वाले चीज़ में भी, मतलब उसको क्या लगता है ना, उसका जो सोल है और उसकी जो बॉडी है वो दोनों सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद में थूजा के फिक्स आइडियाज होते हैं, है ना। थूजा हम लोग जब फिजिकल लेवल्स में देखते हैं तब ना उसकी एक टेंडेंसी है, उसकी एक बॉडी की टेंडेंसी है कि वार्ड्स बनाता है वो, है ना, बहुत सारे वार्ड्स वगैरह ऐसे बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि जब थूजा को उसके लिमिटेशंस उसके घर वाले बताते हैं, तब वो एक और रूब्रिक में जाता है, वो रूब्रिक है कि मदर एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड बाय हिज मदर में जाता है। मतलब क्या ना कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मम्मी है वो रोका टोक करती है बहुत ज़्यादा, उसको उसको उसके लिमिटेशंस के बारे में बताती है, तो उसको ऐसा लगता है ना कि उसकी मम्मी उसको निग्लेक्ट कर रही है, उसको समझ नहीं रही है कि वो उसके अंदर क्या पोटेंशियल है करके, है ना, उसको ऐसा लगता है। फिर इसके लिए उसको ना उसके मम्मी से ना और ये जो भी लोग हैं उनसे उसको ना थोड़ा सा ये लगता है कि भाई नहीं चाहिए ये लोग इस टाइप में, या उन पर वो चिड़चिड़ करती रहती है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है कि जब उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने करना चाहिए और घर वाले बोलते कि ये मत कर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि मन तो बोल रहा है करना चाहिए, सब बोल रहे मत कर, तो इसमें वो क्या करती ना कि वो मैनिपुलेट करती है कि भाई वो मतलब करती भी है और बताती भी नहीं है, मतलब वो ऐसा इन्वॉल्वमेंट कर लेती है उसके आसपास कि किसी को उसके ऊपर शक नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है ना कि वो मैनिपुलेशन में है इसीलिए, उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि एक थूजा ना एक और रूब्रिक में है, वो रूब्रिक क्या है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस। मतलब क्या ना कि वो कर कुछ रही है और उसका मन कुछ और कह रहा है कि वो मत कर करके, मतलब उसका मन नहीं होता है और फिर भी वो कर कुछ और रहती है, ठीक है। अभी ये हो गई, ये सब रूब्रिक्स देखे हम लोगों ने। उसके बाद में ना थूजा एक और रूब्रिक में है, वो रूब्रिक है हेड बिलोंग्स टू अदर्स। अभी क्या हो जाता है ना कि जब सब लोग उसको बोलते हैं कि तू गलत है, तूने गलत किया, अब इससे उसके मन में ना एक न्यून भावना आ जाती है। क्या क्या होता है ना उसको, उसको क्या लगता है कि वो अगली है ना, उसने गलत किया है, फिर इसके वजह से ना वो और कुछ रूब्रिक्स में जाती है, उसको ऐसा लगता है कि वो ब्रिटल हो गई है, अब वो थीन हो गई है, अब उसके बाद में उसको लगता है कि वो मेड अप ऑफ ग्लास से बनी हुई है, बहुत डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, ऐसा उसको लगने लग जाता है ना। फिर थूजा में थोड़ा सा भी थोड़ी सी फैन की हवा भी लग जाए या फिर तो वो किसी हवा में भी चले जाए तो तुरंत उसको सर्दी हो जाती है, नाक गलने लग जाता है, मतलब इतना सेंसिटिव हो जाता है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर क्या हो जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो सेंसिटिव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, ठीक है, ये उसके लिए ऑडियंस है, मतलब क्या ना सब लोग उसको
उसको जो उसकी जो लिमिटेशन का एहसास दिलाते, ये थुजा के लिए ऑडियल्स होता है। ठीक है।